हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी संचिति फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी सर्कल वाला गलीचा बनाने का एक बहुत ही सुंदर सा तरीका, जिससे आप अपनी पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करके गलीचा बना सकते हो। और वो भी इतना सुंदर और सिंपल तरीका है कि जिसे देख करके आप अपनी पुरानी साड़ियों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर गलीचे तैयार करेंगे। और मैंने एक बहुत ही सुंदर गलीचा भी बनाया था, उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, जिसे देख करके आप अपनी पुरानी साड़ियों से सुंदर सुंदर गलीचे घर पर आसानी से बना सकते हो। अगर मार्केट में अगर आप लाने जाएंगे ना, तो इस तरह के बड़े बड़े गलीचों के दाम हजारों रुपये लगते हैं, और घर पे आप अपनी पुरानी साड़ियों से बना सकते हैं। इसका सर्कल बनाना बहुत आसान है, और लगाना आप देख सकते हो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 रो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट जो सेंटर है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये होगी फिफ्थ रो, ठीक है ना। ये हमारी फिफ्थ रो है। नीचे हमने बेडशीट का कपड़ा लगाया है, ऊपर हमारी साड़ी है, और जो सारा सर्किल है ना, ये सारे सर्किल हमने साड़ियों से तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप जो ना वो तैयार कर सकते हैं, और इसमें 2 रो और डलेगी भी। तो ये फिफ्थ हो गई, यहां तक आएगी 6, ये इसी को ही हम तैयार करेंगे 6 रो में, और 7 रो में फिर हम केसरिया वाला जो है ना वो हमारे पास तैयार है। तो 6 रो हमारी यही रहेगी, और 7 रो में हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला। तो इस तरह से बराबर के बड़े बड़े सर्कल हमने बनाए हैं, और इसी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर जो ये कॉर्नर्स रहेगा ना, इस पे हम इसी की जो है ना पट्टी लगा देंगे। पूरे इसके चारों तरफ आपको फिर पट्टी लगा देनी है, और जो कॉर्नर्स पे स्पेस रहेगा उसमें आप कोई भी जो आपका पुराना कपड़ा हो उसको सेट करके कॉर्नर्स को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गलीचा बन करके रेडी हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने लिए अपनी पुरानी साड़ी, जो मेरे पास बहुत पुरानी साड़ी थी, बहुत ही पतले कपड़े की। मैंने इसको 2-3 बार पहना, पर ये मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का एक यूज कर लेंगे। एक तो प्लेन साड़ी ले लेंगे, और एक हम लेंगे प्रिंटेड साड़ी, तो साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे से मिला कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से हमने ये साड़ी को डबल कर लेना है, और डबल करने के बाद आपको एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। तो इसके कॉर्नर्स पे जो लेस है ना, वहाँ पे हम एक सिलाई कर लेंगे। तो डबल करके लगाएंगे तो साड़ी का जो पैना है ना वो डबल हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे बीच से कट करके, तो ये डबल हमारी बेडशीट के जितनी चौड़ी हो जाएगी। तो 5 मीटर की साड़ी है, एक सिलाई निकालेंगे तो 2.5 मीटर हो जाएगी, और बीच से ओपन करेंगे ना, जहाँ से ये ऑफ होती है 2.5 मीटर पर, तो वहाँ से ओपन करेंगे तो ये जो इसकी जो लेंथ होती है 40-42 सेंटीमीटर की, वो डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एक साड़ी लेनी है, उसको बीच से सिलाई करके फिर एकल कर लेना है, इसका कट करके फिर बेडशीट के जितना इसको चौड़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ना बीच से सील करके इसके 2 इस तरह से जो जॉइंट था यहाँ पे, मैंने इसको कट लगा दिया है, और अब हम इसको खोल लेते हैं। तो इसका 2 आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से जॉइंट करने से ये बहुत सारी चौड़ी हो गई हमारी बेडशीट के जितनी। तो अब मैंने लिया, ये मेरी पुरानी बेडशीट है। तो नीचे क्या करते हैं, बेडशीट लेने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं और आपका गलीचा बहुत खूबसूरत बनता है। तो बेडशीट को मैंने ऐसे उल्टा लगा दिया है, और अब इसके ऊपर हमने जो साड़ी तैयार किया वो लगा लेंगे। साड़ी वाला जो फैब्रिक होता है ना, हल्का हल्का बड़ा हो सकता है, पर छोटा बिल्कुल ना कटिंग करें, क्योंकि ये फिर बाद में ना क्या स्विंग होता है, और जब हम इसकी सर्कल बनाएंगे ना तो भी थोड़ा बड़ा होगा ना, हल्का फुल्का चारों तरफ से तो चलेगा, परंतु छोटा बिल्कुल ना रखें। तो साड़ी के कपड़े को आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल इसके बराबर में भी रख लिया है, और जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट करके निकाल दूंगा। आप चाहे तो बाद में भी कट कर सकते हो, पर मैं इसको पहले ही निकाल देती हूँ, ताकि मुझे ना वीडियो बनाने में और वापस इसको फोल्ड करने में और सर्कल सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस ऐसे में इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको मैं निकाल देती हूँ साइड से, एक साइड से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा है।
बाकी दो पार्ट्स जोड़ने पे, साड़ी के दोनों पार्ट्स जोड़ने के बाद में क्या होता है कि इसकी जो चौड़ाई लंबाई है ना हमारी बेडशीट के बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो मैंने इसको कट कर लिया है, इसको हम सर्कल बनाने में यूज कर लेंगे। अब आगे इसकी जो प्रोसेस शुरू होगी वो बीच के जो हम बीच का सर्कल बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने यही साड़ी का कपड़ा जो मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, इसके भी मैंने पहले गलीचे में यूज में लिया था, तो ये टुकड़ा पड़ा था तो मैं इसका बीच का सर्कल बना लेती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम इसको फोर फोल्ड में फोल्ड करेंगे सबसे पहले, ये टू फोल्ड में हो गया है और अब ये फोर फोल्ड में हो गया है। अब मैं ये 13 इंच का सर्कल बना रही हूँ, तो मैंने 13 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा देना है, कॉर्नर्स से पूरा 13 इंच पे मैंने इस तरह से राउंड में इसको पॉइंट लगा दिया है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तो ये 13 इंच का जो सर्कल है वो यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब इसके बराबर में ही एक और कपड़ा नीचे का लेकर के और इसको सिलाई कर देना है। और भी इससे पहले इसमें आप देख सकते हो मैंने इस तरह से ना धागे लगा करके इसका जो सेंटर है ना वो निकाल लिया है। तो आप इसके कॉर्नर्स से कॉर्नर्स तक एक धागा लगाएं और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक धागा लगाएं और जो बीच में आता वो इसका ना जो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने सेंटर पे ना मार्किंग कर लेते हैं, तो ये मैं सेंटर पे यहाँ पे इसकी मार्क कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, देखा इसको ना? हटा देते हैं। देखिए ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए, तो आपको इस तरह से सेंटर पे ये राउंडर इस तरह से लगा लेना है। अब ये मैंने दूसरी साड़ी ली है और इसको भी मैंने जो डबल करके और एक सिलाई लगा ली है, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने पहली साड़ी की सिलाई लगाई थी ना सेम वैसे ही इसके भी मैंने सिलाई लगा लेनी है डबल करके और फिर बीच से कट करके इसको भी मैं ओपन कर लूँगी। तो दो साड़ियों का हम इसका ऊपर में यूज करेंगे सर्कल बनाने में, तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप नए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की बहुत ही बढ़िया बढ़िया और सुंदर वीडियोज आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब देखिए एकदम सेंटर पे मैंने इसके लगा दिया है ये, और इसके बाद में जो हमारा सर्कल है ना ये इसके चारों तरफ मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो एक चौंक लीजिएगा और यहाँ पर आप इसके मार्क करके छोड़ दीजिएगा। तो ये मैंने इसके चारों तरफ मार्क कर लिए हैं। इसके बाद में पहला मार्क है ना 5-5 या 6-6 इंच की दूरी से आप इस पे पॉइंट लगा लीजिए। तो आपको इंची टेप लेना है, 5 इंच के अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो तो 5 इंच के पॉइंट लगाइए और 6 इंच के अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो तो आप 6 इंच के पॉइंट लगा करके इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में आपको सर्कल पे सर्कल बनाते जाना है और मार्किंग कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहला सर्कल तो 6 इंच का बनाया, उसके बाद में मैंने 5-5 इंच के जो सर्कल के पॉइंट लगा दिए। तो आप देख सकते हो ये चौंक थोड़ी लाइट है पर यहाँ पे शायद आपको थोड़ा हल्का फुल्का दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट लगा करके गोल गोल बराबर में सर्कल बना लेने हैं। और इसके बाद सर्कल के जो सर्कल का बेस है ना उसके ऊपर में बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा सा वेलवेट का कपड़ा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको बना लेते हैं गोल गोल और उसके ऊपर हम लगा लेंगे तो थोड़ा सर्कल में सुंदर लुक आ जाएगा। तो इसको पहले एक सिलाई कर लेंगे, थोड़ा सा ओपन रखेंगे, वहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। तो आपको इसी तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बेस के ऊपर कुछ ऐसे लगाना चाहते हो राउंडर तो आप इस तरह से बना ले, वरना चाहे तो आप सिंपल उस बेस को भी है ना उसके अंदर कपड़ा भर करके और उसको तैयार कर सकते हो। जो भी छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो उसको आप जो रीयूजेबल होते हैं पतले कपड़े साड़ी के ब्लाउज के अस्तर के उस तरह से हम ब्लाउज सिलाई करते हैं तो जो भी कतरन होती है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पहले सीधा कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर पहले इसको अटैच करेंगे इसका सेंटर बना करके और फिर हम उसके अंदर कॉटन जो है वो भरेंगे। तो उसके जो ऊपर का पार्ट है ना उसके बीच में मैं इसको लगा देती हूँ। तो ये देखिए
ये वाला पार्ट्स है इसका, मैंने सेंटर पे ना यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है ये देखिए ये, और इसी पे हम इसको बीच सेंटर में रख करके एक सिलाई लगा देंगे। तो अभी तो ये चल रहा है क्या, सेंटर पॉइंट का जो है तैयार करने का काम, जो हम अपने गलीचे का सेंटर बनाएंगे ना, तो गलीचे के सेंटर को आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने इसको आल पिन से लॉक कर लिया है और बस एक सिलाई निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, हो जाएगा आपका ऊपर का पार्ट्स। बहुत बड़ा गलीचा है और बहुत ही सुंदरता से घर पे बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियों का इस्तेमाल करके आप अपनी पुरानी साड़ियों का और बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे वाला बेस है ना, लाइनिंग का जो पार्ट्स होता है वो भी इसके साथ अटैच कर लेंगे और फिर उसको भी उसी तरह से हम सीधा कर लेंगे। बस सिंपल सा काम है। और हमारी वीडियो पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। देखिए मैं क्या करूँगी, आपको मेन जो इसकी स्टार्टिंग है वो, और सर्कल कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ। तो क्योंकि एक प्रोसेस देखते ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जो दोनों कलर के सर्कल है वो कैसे बनते हैं और कैसे हम हाथों से उनको तैयार करते हैं। सर्कल जो है मैं सारे के सारे हाथों से लगाने वाली हूँ तैयार करके, उसमें हम बिल्कुल भी मशीन का यूज नहीं करेंगे। ये जो ऊपर का जो बेस बनाया ना मैंने, बस सिर्फ इसी को मैंने सिलाई मशीन से बनाया है। बाकी सारा जो गलीचा होगा हमारा हाथों से ही कंप्लीट होने वाला है। टाइम तो मुझे 3-4 दिन का लगेगा, पर मैं इसे पूरा का पूरा हाथों से ही कंप्लीट करने वाली हूँ और सारा पुरानी साड़ियों का यूज करके। ये मैंने ली है दूसरी प्रिंटेड साड़ी और इस पर मैंने सेंटर पे बीच में ये सेंटर लगा दिया है। अब मुझे इसकी लेयर कटिंग करनी है, सर्कल बनाने हैं। सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे पहले इसको, इसके जो जो सेंटर है ना, इसका पहले चौंक से मार्क कर लें, उसके बाद 7-7 इंच के हम सर्कल कटिंग कर लेंगे। तो आपको पहले है ना, जो ये सेंटर हमने तैयार किया है उसके चारों तरफ चौंक से इस पर मार्क करने हैं और उसके बाद आपको 7-7 इंच के सर्कल तैयार करने हैं। पहला सर्कल 7 इंच की चौड़ाई से, दूसरा हम यूज़ नहीं करेंगे, तीसरा 7 इंच के और चौथा 7 इंच का सर्कल कट कर लेंगे। ये हमारा एक सर्कल होगा, उसके बाद ये वेस्टेज है, फिर ये सर्कल हमारा काम आएगा, फिर ये सर्कल। तो ये तीनों सर्कल को मैं कट कर लेती हूँ। तो ये हम बनाएंगे सर्कल वाला गलीचा, आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारे जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना, पुराने जो साड़ियाँ होती हैं जिनको हम नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको गोल गोल है ना ऐसे कट कर लिया। ये जो सर्कल मैंने तैयार किया ना, इसी तरह हम भर लेते हैं और इसमें मैंने यहाँ पे कट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, इसको वैसे मैंने नीचे से सील दिया है पर यहाँ से ये ओपन है, तो ये पिंस खोल करके इसको हम भर लेते हैं पुराने कपड़ों से और फिर यहाँ पे इसको टांका लगा देंगे। तो ये जो आप देख सकते हो, ये जो मैंने आल पिंस यहाँ पे जो इसका ओपन पार्ट था ना, वहाँ पे मैंने आल पिंस लगाई हुई थी, तो इसको मैंने निकाल दिया है और अब इसके अंदर हम भर लेंगे अपने ये जो पुराने जो कपड़े होते हैं ना, इनको हम भर करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज यहाँ पे रखे हुए थे, तो इन सबको मैं भर करके और इस सर्कल को मैं तैयार कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे जो भी कपड़े होते हैं ना, इन सबको वेस्टेज जो भी पार्ट्स होते हैं ना, उनको डाल डाल के हम इनको भर लेंगे। तो इस तरह से पूरा इसको हम भर करके तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद में ना, ये जो आप चाहे तो इसमें कॉटन भी डाल के भर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपके पास पुराने कपड़े हैं तो उनको भी है ना अच्छे से सेट करके इसके अंदर है ना ऐसे सेट करना है और फिर आपको इसको ऐसे बराबर में करके और इसको ऐसे बराबर में तैयार करना है, है? फिर इसके बाद में ये जो इसका ओपन हिस्सा है इसको आपको ऐसे सील देना है, वापिस में इसके टाका लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ना इसको अच्छे से भर लिया है
और अब मैं इसको है ना ऐसे यहाँ पे लॉक कर लेती हूँ, जो इसका ओपन एरिया है उसको हम ऐसे लॉक कर देंगे। तो ऐसे इसको है ना हम लॉक कर देंगे। ये देखिए ये जो सर्कल बनाया था ना, ये देखिए मैंने तैयार कर लिया इसको, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे और इसके ना चारों तरफ वो इसके ऊपर रख करके और एक सिलाई कॉर्नर्स पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ये सर्कल उस पे रख करके स्टिचिंग ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने ये बेस तैयार कर लिया है और इसको है ना कुछ सिलाई से भी स्टिच कर दिया ताकि है ना ये खुले नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको भी सेंटर पे रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो मैं सुई धागे से इसकी जो है ना सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए इसको सेंटर पे रखते हैं। तो ये देखिए ये है इसका सेंटर, ये मैं इसके सेंटर को इसके इस सेंटर पे ऐसे रख देती हूँ और सेंटर पे रख करके हम अब इसकी सिलाई हाथों से लगा देंगे। चारों मेर से इसको सील देते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको है ना चिपका दिया है और ये देखिए इसकी पूरी एक सिलाई कर दी है। देख सकते हैं मैंने इसको है ना चिपका दिया है और ये देखिए इसकी पूरी एक सिलाई कर दी है। सेकेंड रो हम इसकी लगाएंगे। तो इसको अटैच करने के बाद हम इसको सील देंगे। थर्ड रो यही रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाली रो इस तरह से लगाएंगे। तो एक एक पे स्टिचिंग लगा देंगे और इसके अंदर है ना फैब्रिक कैसे बना वो भी मैं आपको दूसरी रो में भर के दिखाऊंगी कि आपको कैसे भरना है। उसी तरह से आपको सभी रो में फैब्रिक भरना है। तो मैं आपको दूसरी रो में मैं भर लेती हूँ, तीसरी रो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे भरना है।
आप देख सकते हो मैंने ना दूसरी रो कंप्लीट कर ली है, ये वाली यहाँ पे सिलाई करके पहली वाली कंप्लीट हो गई, दूसरी वाली अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो रो हमने लगाई हुई है इसको हम एक बार हटा लेते हैं, तीसरी रो में आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा है, अब तीसरी रो के लिए मैं ले रही हूँ देखिए ये साड़ी, और साड़ी को इस तरह से आपको डबल कर लेना है। ये देखिए ये जो साड़ी है ना, अब आप इस तरह से देख सकते हो, जो भी आपके पास वेस्टेज साड़ी है ना उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके लिए आपको इसको ना ऐसे उठाना है, ऐसे बीच में रख लेना है सारे पार्ट्स को। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरलता से आपको ये ना अपने घर पे आसानी से बना सकता है। तो सारे पार्ट्स को आपको ऐसे बीच में इस तरह से एक सर्कल आपको बना लेना है। ये हो गया हमारा सर्कल यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साड़ी को ऐसे लेना है और इसके चारों तरफ आपको ऐसे जैसे ये सर्कल है वैसे ही इसका सर्कल आपको ऐसे बना लेना है। ये लीजिए, ये हमारी तीसरी रो का जो सर्कल है वो कंप्लीटली यहां पे हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको करके फिर से अपनी साड़ी को आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमको वापिस अपनी साड़ी को सही कर लेना है। कॉर्नर्स पे ना वापिस से आपको आल्पिन स्टेज को ऐसे लॉक कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लॉक कर दिया है पूरे को, इसी तरह से इसको भी हम ऐसे खोल लेंगे। तो ये आपका देखिए नेक्स्ट सर्कल है ना इसी का आ जाएगा। साड़ी से ये सर्कल बन गया और इसके बाद यहाँ पे अब हम इसको ये देखिए इस तरह से पिन अप करके, और आप इसके चारों तरफ में ना ये जो सिलाई हमने ऐसे निकाली थी ना ये वाली सिलाई, तो वैसे ही इसको पूरा आप सिलाई कर लें। उसके बाद में यहाँ पे वापस ये वाली रो हम सेट कर लेंगे जैसे वो की थी। इसी तरह से पूरा जो गलीचा है वो बन करके तैयार हो जाता है सर्कल वाला को ना। अंदर सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे इसको हल्का सा दबाना है, फिर इस तरह से आलपिन से पहले इसको लॉक कर देना है, फिर आप चेट पास पास में इसकी सिलाई कर सकते हो। नहीं तो दूसरे वाला सर्कल है ना वो सीधा ही आप यहाँ पे लगा सकते हो, पर मैं इसके अंदर क्या है पहले एक कोप से सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा अच्छे से ना हल्का से इसको बराबर करें दबा के, फिर यहाँ पे आप आलपिंस से इसको लॉक कर दें। तो इस तरह से आपका जो सर्कल है वो अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद इसके पास पास में ना एक सुई धागे से एक सिलाई में लगा लेती हूँ।
फिर एक सेम ही जो हमारा साड़ी का कपड़ा उसी में आप जो है साड़ी इंसर्ट करके उसको तैयार कर लें। इस तरह से आपका एक प्रिंटेड और एक प्लेन कलर का सर्कल तैयार होता जाएगा और पूरा आपको बेडशीट तैयार हो जाएगा और कॉर्नर्स पे आप वैसे ही कोई कपड़ा लगा करके उसको सेट कर दें, फिर बॉर्डर किनारे पे आप बॉर्डर लगा लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको दोनों सर्कल तैयार करने बता दिए हैं। पहला सर्कल कैसे भरते हैं, कैसे उसको स्टिच करते हैं हाथों से, और फिर दूसरा सर्कल सेम ही साड़ी का हम तैयार करेंगे, फिर तीसरा सर्कल वैसे प्रिंटेड बना लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इतना बड़ा सारा गलीचा आप घर पे तैयार कर सकते हो।